ये बुश है दोस्तों, नए बुश है इसके, ये बुशों को रिप्लेस करना है इसको। रिप्लेस करने पर जो है आपको गियर का, शिफ्टिंग का, हार्डिंग का, स्लिपेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। ग्रीसिंग करके तो इसमें बैठाना पड़ेगा, इस तरह मार के बैठाना पड़ेगा। बढ़िया, इसके अंदर प्ले ख़त्म हो गया इसका। ये न्यू बुश है, और एक बुश इसका ये है, तो इस तरह एप्स के अंदर इंस्टॉल करना है अभी गियर बॉक्स के अंदर। अभी हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अंदर भी डस्ट फॉर्म है, ठीक है, क्लीन होगा। ये वॉचर है, इस वॉचर को नीचे डाउन साइड फिटिंग हो गया। इस तरह ब
ग्रीस लगाने से शिफ्टिंग फ्री रहेगा, स्मूथनेस गियर शिफ्टिंग रहेगा इससे। ऑलरेडी इसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए अंदर गियर ऑयल रहता है इसके। इस तरह शिफ्टर को फिक्स करना चाहिए। तो एक लॉक आता है स्पेशल टूल्स के जरिए, उसको बिठाया जाता है इस तरह। ये अभी फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये शिफ्टर का काम हो चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये शिफ्टिंग का काम। अभी इसको कंप्लीट फिक्सअप करना है। अभी इसको कंप्लीट फिक्स करने के बाद हम आपको बताएंगे रोड टेस्ट में प्रॉब्लम ट्रेस आउट हुआ या नहीं। ये डेस्ट बूट है दोस्तों, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। इसको 4 बोल्ट्स रहते और 2 क्लिप्स रहते, प्रॉपरली इस पर फिट होगा ये। ये 2 क्लिप्स आते हैं दोस्तों, 2 क्लिप्स इस तरह यहाँ पे फिट करना चाहिए। जस्ट प्रेसिंग रहेगा, फिक्स हो चुका है। ये डैमेज जो बुश है गियर शिफ्टर का उसका है।
गाड़ी में पैसे भी मिले गाड़ी वालों के शायद। चला दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, अभी इसका हम कवर फिट कर देंगे। ये इसका हैंड ब्रेक का कवर है, इस तरह फिक्स हो जाएगा। सब गियर मार किया, सब गियर मार कहाँ पे? कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है अभी।